देवेंद्र जोशी को टिकट दिया है, अब उनको जीताना है कि जो हमारी जिम्मेवारी है, हम जिम्मेवारी है, हम उनको जिताएं, हर तरह से उनको जिताने की कोशिश अच्छी रही है। पार्टी ने जो निर्णय लिया वो अच्छा लिया है, पार्टी निर्णय लेती है उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। देवेंद्र जी को टिकट दिया है, बहुत बधाई है उनको, उनको जिताएंगे। और मैंने तो आज तक पार्टी का काम ही किया है, मैं 15 साल की थी जब से काम शुरू किया है पार्टी का, मैं आज तक पार्टी का काम किया है, पार्टी को बढ़ावा दिया है। महिला मोर्चा की मेरे को अध्यक्ष बनाया तो मैंने और लेडी औरतों को खूब बढ़ाया है, उनकी हर काम में सहयोग करिया है। मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पार्टी का काम किया है, उनको अगर वो पार्टी ने टिकट दिया है तो मैं उनके साथ जुड़ करके काम करूंगी और बीजेपी की सरकार बनाऊंगी और जोरदार जो जोर शोर से बढ़ेगी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं सबका काम करूंगी। कांग्रेस के बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी तो बड़े बड़े दिग्गज को नेता का टिकट काट देगा, जैसे वो तो समय आने पे मालूम पड़ेगा क्या होगा। पहले क्या वैसे हमने हमारी बात कह दी और सही बात कही है, गलत बात नहीं है, आप करेंगे। आप 7वां चुनाव लड़ा आपने, 6 बार विधायक रहे आप जीताओ कैंडिडेट है, आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे, अब टिकट नहीं मिला है, थोड़ी मायूसी तो होगी? मायूसी कहेगी, मायूसी को नहीं, मेरे को मेरा चेहरा देखो आप, कोई मायूसी हो तो बताओ, मैं तो बड़ी खुश हूँ, कोई बात नहीं, पार्टी ने नहीं दिया नहीं दिया, पार्टी जो निर्णय करती है वो सही है, जो उन्होंने पार्टी ने ये समझ लिया भी उनको देना तो उनको दो। कोई अभी मोदी जी आए थे आपको आशीर्वाद दिया, राष्ट्रपति ने आपको आशीर्वाद दिया, तो मैंने मोदी जी से मेरी बात कर ली, ठीक है, उन्होंने क्या समझा क्या नहीं समझा, क्या बात हुई आपकी मोदी जी से मंच पे, आपकी वो बात हुई जो हुई क्या कहना है, लेकिन कोई बात नहीं है, पार्टी का काम करेंगे, मोदी जी का काम करेंगे, मोदी जी ने जो काम किया उसकी सराहना करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, कितना बड़ा मोदी जी ने काम किया बताओ आप, 370 धाराटा दी, राम मंदिर बना दिया, लेकिन विधायक ने बोला कि जितने भी सीनियर नेता थे उनको टिकट काटे जा रहे हैं, सांसदों को टिकट दिए जा रहे हैं, अरे पार्टी जा रहा है, पार्टी के बारे में मैं क्या बोलूं आपको, सीनियर नेता आपने खुद ने का टिकट मिलेगा, मैं मेरी बात बता सकती हूँ कि मैं पार्टी के साथ जुड़ी रही हूँ और कोई भी काम में आगे रही हूँ, चाहे कैसा भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, तो पार्टी के साथ रही हूँ और आगे पार्टी के साथ रहूंगी। मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी काम किया है, मैंने हर काम को जोड़ करके किया है कि भाई पार्टी का काम है, मैंने जितना 15 साल तक सूरसागर में काम किया उतना कोई भी काम नहीं किया, मैंने शहर में रही तो शहर में कितना काम किया ये मैं दावा कर सकता हूँ। कार्यकर्ता जो आपकी डिमांड करे कि सूर्यकांत होते हम जिताएंगे, कार्यकर्ता आपके लिए इंतजार करेंगे, पार्टी ने देवेंद्र जोशी को टिकट दिया है, अब उनको जीताना है कि जो हमारी जिम्मेवारी है, हम जिम्मेवारी है, हम उनको जिताएंगे, हर तरह से उनको जीताने की कोशिश, जी आशीर्वाद देगी उसको, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि बीजेपी को अगर लगता हो किसी के सामने मेरे को खड़ा करना है तो बीजेपी की जरूर करे, मैं उनको पूरा सहयोग दूंगी और मैं जहाँ कहीं भी मेरे को देंगे वहां से मैं भगवान की कृपा से जीतूंगी। और मैं चाहती हूँ हमारे नेता ये सोच ले कि यहाँ पे खड़ा करना है जीजी को, जीजी तैयार, अशोक गहलोत के सामने खड़ी होगी बैंक, नहीं मैं सरदारपुर से नहीं हूँ, जोधपुर शहर से आप विधायक का भी रहे हैं, जो शहर शहर में देंगे ध्रुवी सरदारपुर, शहर में महिला टिकट भी है, महिला आप भी हो जीती हो, आपको सरदारपुर सरदारपुर मेरा, मैं गाँव वगैरह ये मेरा एरिया है, शहर की बात की जाए, शहर की बात, सूरसागर में दिया जीत के शहर में दिया जीते थे, और अगर पार्टी को लगे जैसे ठीक है सर मैं तैयार, शहर के लिए हर बात से तैयार,